हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो जो है, मैंने थोड़ा सा यू नो कॉन्वर्जेशन डाली, जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में गए हो और आपसे कभी कभी ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है, हम रेस्टोरेंट में बैठे हम खा रहे हैं और हमसे खाया नहीं जाता है, आधा खाया है, तो उस टाइम पर हम कैसे कॉन्वर्जेशन करेंगे वेटर के साथ में। हाँ, मतलब हम ऐसे हैं कि भाई हमें छोड़ना नहीं है खाना, हमको साथ लेके जाना है, तो लाइक वेस्ट नहीं करना। तो कैसे, अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया मिस्टर समीर और वेटर, तो मिस्टर समीर जो है वो एक पर्सन है जो होटल में गया है, वो कि सर्विस एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप, मतलब आप कंसीडर करो आप हो और आप वेटर से बात कर रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे? अब आपका खाना बच गया है तो आप कैसे बोलोगे? कुड यू रैप इट फॉर मी प्लीज़, है ना, क्या आप इसको मेरे लिए रैप करके दे दोगे, पैक करके दे दोगे? तो पैक करके नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? रैप इट फॉर मी प्लीज़। फिर वेटर क्या बोलेगा? अभी वेटर बोलेगा येस, और तो आप यहाँ पे तुम्हारा ही ना आएगा, आई एम गोना हैव इट एट होम, मतलब मैं ये घर पे लेके जाना चाहता हूँ, तुम ये बोल रहे हो। और टाइपिंग एरर है गाइस, ये जो है टाइपिंग एरर है, वो वेटर नीचे आता है एक्चुअली, वो येस बोलेगा। ये मिस्टर समीर की कॉन्वर्जेशन है, वही ये बोल रहा है कि आप इसे रैप कर दोगे, मुझे घर पर लेके जाना है। ओके, उसके बाद में अभी सेकेंड कॉन्वर्जेशन मेरी है, समीर बोल रहा है अभी, मतलब तुम बोल रहे हो कुड यू ब्रिंग अ बिल और चेक प्लीज़, है ना, और या तो बोलोगे कुड यू ब्रिंग अ बिल या फिर बोलोगे चेक प्लीज़, ये भी बोल सकते हो। तो वेटर बोलेगा यस सर, अभी आपको बिल चाहिए, अभी आपको रैप करके मिल गया है, तो आप उसको क्या बोलोगे? या तो आप बोलोगे चेक प्लीज़, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये बिल मांग रहा है, या फिर आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कुड यू ब्रिंग अ बिल, क्या बिल ला के दे सकते हो, ऐसे भी बोलेंगे, तो बोलेगा यस सर। वो आपको ये, हमको उससे लेना देना नहीं, अभी वेटर क्या बोल रहा है हमको, हमें कैसे क्वेश्चंस करना है, हमें कॉन्वर्जेशन कैसे करना है, हम अपनी कॉन्वर्जेशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो अभी अगर मैं हूँ समीर की जगह, तो मैं बोलूँगी वेटर को कुड यू ब्रिंग अ बिल, या फिर मैं उसको शॉर्टकट में बोलूँगी चेक प्लीज़, तो वो समझ जाएगा और मुझे बिल ला कर दे देगा। तो देखो, मैं जो अभी जो छोटे छोटे डाल रही हूँ, ये कॉन्वर्जेशन, ये डेली ये कॉन्वर्जेशन है, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, घर में यूज़ करिएगा इसे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको पहले भी बोला, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, फॉरगेट अबाउट फ्रेंड्स फैमिली, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके साथ मैं वो प्रैक्टिस के लिए आपको, मतलब ये कोऑर्डिनेट करे, सपोर्ट करे, नॉट पॉसिबल, एवरी फैमिली डोंट हैव दैट मच टाइम, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, अरे मेरी प्रैक्टिस नहीं हो रही, मेरे साथ कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो मेरी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही, नहीं इट्स ओके, दैट्स ओके, यार नॉर्मल है। अगर आपसे कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, आप मिरर है ना, आप उसको देख कर करिएगा, आप मिरर को समझिए, वो वेटर है। ओके, वेटर बोलेगा सर योर बिल, तो आप क्या बोलोगे? थैंक्स बोलोगे ना, किसी ने आपको बिल ला के दिया है वेटर ने, तो आप उसको नेचुरली क्या बोलोगे? थैंक्स बोलोगे। ओके, तो आप है ना मिरर को समझिए, वो वेटर है, और आप उससे कॉन्वर्जेशन करिएगा बैठकर। ट्रस्ट मी, आज से एटलीस्ट 3 मंथ्स दो अपने आप को, डिवोट करो 3 मंथ्स अपने आप को कि भाई मैं मेरे लिए करना चाहता हूँ, दूसरों के लिए बहुत कर लिया, अभी खुद के भी सुधार के लिए कुछ करना है, खुद का इम्प्रूवमेंट करना, खुद का डेवलपमेंट करना है, सब चीज़ भूल जाओ। एक तुम्हारा मोटिव होना चाहिए कि मुझे 3 मंथ्स में फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। 3 महीना कुछ मत करो, सिर्फ उस पीछे लग जाओ जो भी आपका मोटिव है, और वो अचीव करके दिखाओ उस। ओके, 3 मंथ्स दो, परफेक्टली आपको आ जाएगी, बट वॉट इज़ यू नो वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस, इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। मैंने देखा है काफ़ी लोगों को, मैंने पूछा, आई मीन कुछ बच्चे जो है रियली आई अप्रिशिएट कि वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट सम ऑफ आर लाइक आर मैम मैंने आज देखा था, का टाइम नहीं मिला ना इसलिए देखा नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, यू हैव टू सी इट रेगुलरली, रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। एक दिन का भी बैकलॉग हुआ ना, गया आपका। सो प्लीज़ प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग, थिंक ऑफ इट, कोई रिक्वेस्ट करता है, एटलीस्ट अपने लिए कुछ करो, डू इट समथिंग फॉर योर सेल्फ, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इंटायर लाइफ। सो प्लीज़ गेट टाइम फॉर योर सेल्फ, दूसरों के लिए टाइम निकालते हो ना, अपने लिए टाइम निकालो। मैंने अक्सर मैं बोलती हूँ कि भाई खाना मत खाओ जब तक आपका होना है ना जो काम हो, मैं अपने आप को यही करती हूँ, अगर मुझे कुछ अचीव करना है, मैंने टास्क लिया है कि मुझे ये करना है, नहीं होगा ना जब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि पेट ऐसी चीज़ नहीं, आप भूखे रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली काम नहीं होता, वो अभी हो जाता है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या है, अभी समीर क्या बोलेगा? कैन आई पे विथ कैश, वो क्या बोलेगा कि मैं कैश में पे कर दूँ?
तो यस यू कैन, वेटर क्या बोलेगा, हाँ वही कर दो, उसे क्या प्रॉब्लम है, वो तो खुश हो जाएगा, चलो कैश में दे रहा है और अच्छी बात है ना। शॉपकीपर तो हमेशा बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन करो क्योंकि इसे जीएसटी बचाना होता है अपना, तो बोल देगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कैन आई पे, कैन आई गूगल पे, और कैन आई डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आप ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, कैन आई पे बाय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, यू कैन यूज़ एनीथिंग। ओके तो यहाँ पे मैंने कैश का एग्जांपल लिया, आप इसकी जगह डेबिट कार्ड बोल सकते हो, जी पे बोल सकते हो, फ़ोन पे बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, दैट्स ऑल योर डिसीजन। आपको जो यूज़ करना है ना, आप वो यू सेंटेंस यूज़ करो। यहाँ पे मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर में आई थिंक वो मिस्टेक हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है स्पेलिंग इधर, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके आई होप एवरीवन इज़ लर्निंग, कुछ समझ में आ रहा होगा, सो प्लीज़ प्लीज़ गाइस प्रैक्टिस रेगुलरली। काफ़ी इजी कॉन्वर्जेशन है, छोटे छोटे कॉन्वर्जेशन में डेली अपडेट करूँगी। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट, और लाइक शेयर कॉमेंट and don't forget to subscribe my channel for future update. Thank you so much for watching my channel. See you soon with a new video. Till the time, take care, bye.